दिले अड़िया सिद पे अड़ गया रे अड़ गया रे ओ दिले अड़िया सिद पे अड़ गया रे अड़ गया रे ओ साला प्यार के पीछे पड़ गया रे ओ तेरे नैनों से मेरे नैन मिले ओ तेरे नैनों से मेरे नैन मिले ओ तेरे दिल से ये दिल लड़ गया रे लड़ गया रे लड़ गया रे मुझे माफ कर दो और कोई रस्म नहीं निभा सकता मैं। प्लीज नदीम, तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए कम होती जा रही है। और सोफिया, तुम्हारी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ ये रह गई है कि मैं तुम्हारे घर की रस्में पूरी करूं। तुम्हें पता है मेरे नाना मेरी नानी के लिए रस्सी पर चले थे 100 फीट की ऊंचाई पर। ये भी तुम्हारे घर की रस्म है? हाँ, लेकिन अब तो मतरूक हो गई है। जाहिर है मतरूक ही होनी चाहिए थी भाई, जमाना इतनी तरक्की कर गया है। नहीं नदीम, वो रस्सी से गिर गए थे इसलिए। तुम चाहती हो मैं रस्सी से भी गिर जाऊँ? मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम अम्मी जान की नजरों से ना गिर जाओ। हाँ हाँ, जैसे वो मेरी नजरों में केटू पर बैठी हुई है। प्लीज नदीम, ये रस्म भी पूरी कर दो ना प्लीज। माफ कर दो मुझे, ये तो बता दो रस्म क्या है। और दूसरी बात है, मैं रस्सी से नहीं चल सकता। नहीं, नेकी की रस्म है, इसमें नेकियां भरी होती हैं। वो करना क्या है बीबी, मुझे ये बता दो। मक्का तो पैदल आना मुझे। नहीं जान, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ना हमें पहली सहरी और अफ्तारी करानी है। क्यों, तुम लोग क्या पहले रोजे पे मस्कीन हो जाओगे? क्या बोल रहे हो नदीम, देखो ये कितने सवाब का काम है। कभी कभार कोई सवाब का काम तुम लोग भी कर लिया करो। सुन लो नदीम, अगर तुमने ये रस्म पूरी ना की तो। अच्छा, तो तुम अम्मी जान यानी मेरी सासू माँ के कमरे में शिफ्ट हो जाओगी? जी नहीं, ये मेरा कमरा है, मैं यहीं पर रहूंगी। तुम्हें ड्राइंग रूम में शिफ्ट कर दूंगी, दरवाजा लॉक कर दूंगी। ना 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 सोफिया, ये ना करना। देखो ड्राइंग रूम में बाथरूम नहीं है, मैं मर जाऊंगा। ये मेरा मसला नहीं है। देखो सोफिया, प्लीज प्लीज प्लीज। अम्मा जान, रमजान आ गया। बेटा ड्राइंग रूम में बैठाओ ना। चाचा, रमजान की बात नहीं करी मैं। अरे चौकीदार पैसे लेने फिर आ गया। मजन, चौकीदार की भी बात नहीं करी। अरे मनोज, पहले इतना अटकते हो, बात क्यों नहीं सही तरह से करती? रमजान का महीना आ गया। अरे मैंने तो सोफिया को बोल भी दिया कि वो दूल्हा भाई को बोल दे, बस लिस्ट लेनी बाकी रह गई है। किस चीज की लिस्ट? अरे ये कि पहली सहरी और अफ्तारी में हमने क्या क्या खाना है। मैंने तो लिस्ट बनाई नहीं। बना लो, शाम तक उसे दे देना, वो सब कुछ ले आएगा। दूल्हा भाई इतने फरमा बरदार नहीं है। अरे हमारे ना सही, सोफिया का तो बड़ा फरमा बरदार है और सोफिया हमारी वफादार है। 30-40 चीजें तो जुबानी याद है मुझे, बाकी लिख लेती हूँ। चलो तुम बना लो ना, मैं चेक कर लूंगी कि मुझसे कोई मिस तो नहीं हो गया। नहीं नहीं, जब टेबल पे आप लोग कुछ चीजें मेरे पास देके थूक निकलेंगे तो बड़ा मजा आएगा। मनोज, मारी माँ को जलाएगी? सारी जिंदगी अपना पेट काट के मैंने तुझे पाला है। झूठ तो मत बोले, सारी जिंदगी अब्बा का गलत काटा है हमने। अरे बको मत, मुझे जल्दी से कॉपी पेंसिल दो ताकि मैं लिस्ट बना लूं। दूल्हा भाई आते ही होंगे। अल्लाह करे कि वो मान जाए। पहला रोजा तो बड़ा सख्त होता है। मजा बार मजेदार चीजें पड़ी हो ना, उनके इंतजार में रोजा गुजर भी जाता है। ये ताए है या तुम्हारा कोई प्लान है? हाँ दूल्हा भाई, ताए है। आप तो हलवे की मुझ पे थकती धरती लेते हैं। अरे नहीं नहीं, थैंक यू। दे ले। ये तुम्हारा कोई प्लान लग रहा है मुझे? नहीं नहीं, ये प्लान नहीं है दूल्हा भाई, ये तो लिस्ट है। और किस चीज की लिस्ट है भाई? मुझे थैली और थाली में ताता थाना उत्ती लिस्ट है। तो ये लिस्ट मैं तुम्हारे होने वाले मियां को दे दूं? नहीं नहीं, इस लिस्ट तो आप अपनी देव में लथे। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, मैं तुम्हारी मालकन दा शौर है। ओ वो दूल्हा भाई, धरती लत्ता नहीं दे। बस कर दे, रसम है। तेरा इस घर से क्या ताल्लुक? ताल्लुक है तेरी बातें ते ले आप तो धुतर अगर तने दी घर तो मैं अपने घर से मटू, ये तो कब से तोड़ी से कारी धरती धरते बाल चुकी होती। अच्छा तुम ये धमकी दे रही हो? नहीं, मैं एतान जता ली हूं। इस लिस्ट में क्या है? कुछ दादा नहीं, बस थैरी तिली थुतली पुनती है। क्या तुम्हें सहरी में जिल्द की बीमारियां चाहिए? ओफो, ये नहीं बोली, वो तो थुबा थुबा नहीं थाते, वो तो तवैया की तरह होती है, पूरियों से दूध में मिक्स करके थाते हैं, उतनी बात कर रही हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, तबीयत खराब हुई है तुम्हारी, खजला फेनी। हाँ हाँ, कितना मदिता होता है ना। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा,
पराठा बनाओ और खाओ। खबरदार बोलों वाला पराठा बनाया तुमने, सिंपल सादा पराठा बनाओ। पड़ोस को अब मुझे थाना मानते देना, मैं भी थाना ही दूंगी और यही बोलूं थी कि थाना खाने की क्या जरूरत है। तुम अगर संग है बात कंप्लीट हो गई तुम्हारी, तेनु की चाहिए हूं। ये छोटी छोटी सी ख्वाहिशात है। ये ननी ननी ख्वाहिश है ओ भाई, ये तो पूरे घर का सौदा है। कोई नहीं, ये सिर्फ मेरी सहरी और अवतारी है। मैं इसको सिर्फ और सिर्फ जखीरा अंदोजी समझता हूँ। तुम इतना सारा एक दिन च किवें खा सकनी है? आजमाइश शर्त दूल्हा भाई। लेकिन अंबर ये तो फजूल का सामान है, तेल का एक डब्बा तुम एक दिन में कैसे इस्तेमाल करोगी, क्या पियोगी? रमजान में इतनी चीजें तलनी होती है, मुझे तो एक डब्बा भी कम लग रहा है। रसम तो पहले दिन की थी, मैं पूरे महीने का ठेका नहीं ले आया। देखो अंबर, तुम मेरी साली हो, अद्धे घर वाली हो, कुछ ख्याल करो, मेरे पर बहुत जुल्म हो रहा है इस घर में। कैसा जुल्म दूल्हा भाई? मर्दों का काम घर का खर्च चलाना होता है। भाई ये घर कहाँ है, ये तो यतीम खाना है जहाँ हर कोई मुझे लूटने का प्लान बना रहा है। हमारे अब बात जिंदा होते तो हमें बात बात में कोई यतीम ना कह रहा होता। मैं वाकई चाहता हूँ तुम्हारी शादी हो जाए। अच्छा क्यों? वो इसलिए कि एक और घर दमाद आ जाएगा इस घर दे विच मेरा हाथ बटान ले। दिल अड़ियल जिद पे अड़ गया रे, अड़ गया रे, साला प्यार के पीछे पड़ गया रे। दिल अड़ियल जिद पे अड़ गया रे, अड़ गया रे, साला प्यार के पीछे पड़ गया रे। अनवर साहब, कल से रमजान शुरू है, आपको याद है कि आप पहले रोजे वाले दिन ही बेहोश हो गए थे। मैंने और आपकी साली ने रोजा अफ्तार एम्बुलेंस पे किया, वो भी सारा सामान आप ही का लाया हुआ था। आई लव यू, मैं प्राउड हूँ अनवर साहब आप पे। अनवर साहब मजाक तेरी अफ्तारी और सरिये बजा में अच्छी करवाई थी। बेटा उन्होंने तो सारा दस्तरखान सजा दिया था। लेकिन आप तो कह रही हैं एम्बुलेंस में अफ्तारी की थी। हाँ बेटा, पहले रोजे पे ना उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी थी, उनको ना ब्लड प्रेशर डाउन हो गया था। बाजी का रोजा था? यकीनन था, वो एक मुसलमान घराने के चश्मे चराग थे। तो वो बेहोश हुए तो उनका अफ्तार कैसे हुआ? एम्बुलेंस में। लेकिन अम्मा जान वो तो बेहोश थे ना। उस बेहोशी में मैंने उनके मुंह में ना खजूर डाल दी थी तो उनका अफ्तार हो गया। नहीं, उनका इंतकाल हो गया था, वो खजूर उनके हलक में फंस गई थी ना। अम्मा जान अब्बा तो मोहब्बत के देवता निकले। बेटा ये उन्हीं की मोहब्बत का करिश्मा है जो हम इतने बड़े घर में हंसी खुशी रह रहे। काश हमारे दूल्हा भाई भी कोई करिश्मा कभी दिखा दे। क्यों, उन्होंने लिस्ट तुम्हारे मुंह पे मार दी ना? मजन दूल्हा भाई को ना कंट्रोल करना पड़ेगा। तुम फिक्र नहीं करो, मैं अभी कंट्रोल ड्राइवर से रابطہ करती हूँ। सोफिया, सोफिया आ गई। अम्मी जान रमजान का चांद नजर आ गया क्या? फिलहाल दूल्हा भाई की नीयत में फतूर आ गया बेटी। क्या नदीम पर मेरी धमकियों का कोई असर नहीं हुआ? अरे असर, वो तो अंबर के मुंह पे लिस्ट फेंक के चला गया। नहीं मजान, उन्होंने लिस्ट फाड़ भी दी। नदीम की इतनी हिम्मत? मुझे लग रहा है सोफिया पानी जो है ना सर से ऊपर हो रहा है। अम्मी जान मैं सांस रोकने लगी। अपनी नहीं नदीम की, पहली सहरी और अफ्तारी हमें नदीम ही करवाएंगे। देखो तुझे जा, मुझे सोफिया का कॉन्फिडेंस बहुत पसंद आया। देखा अनवर साहब कैसे बच्चे मेरे सर पे मार के चले गए, मुझसे पूछे जैसे मैं गुजारा कर रही हूँ। लेकिन ये सब कुछ मैं तेते तर डरती हूँ। अरे ये सिर्फ तुम ही नहीं कर रही बल्कि हम सब लोग कर रहे हैं। यू नो, एक दफा नदीम को इस घर और इस खानदान की ताकत का पता चल जाना चाहिए। तोपिया बादी, क्या आप भी मुझे खानदान का हिस्सा समझती हैं? अरे हाँ बीना, तुम मेरी बहन हो और तुम्हें पता है कल से रमजान शुरू हो रहा है ना, तो मैं बहुत नेक नेक सा फील कर रही हूँ। ठीक है तोपिया बादी, इस नेक मकसद में मैं आपका पूरा साथ दूंगी, लेकिन मुझे तड़ना था होदा। बस तुम्हें नदीम को उसकी औकात याद दिलानी है। अच्छा अच्छा अच्छा, 9 से 5 वाली? अरे नहीं बेवकूफ, उसको ये बताना है कि वो घर का दामाद है, ये घर हमारा है, वो रुखसत होकर यहाँ पर आया था। लेकिन ये मैं उनको कैसे समझाऊंगी? बस तुम उसकी कोई
बात ही ना मानना, बल्कि जो भी बात करे ना तुम तंज कर देना। हाँ धोबी बाती, आप तो पता है मेरा तो दिल धड़कता था, मैं उनकी तो ही बात नहीं मानू, लेकिन दिल पे पत्थर लग के मैं आपकी वजह से तुप लेती थी। बस बीना, अब तुम्हें अपने दिली जज्बात को रोकने की कोई जरूरत नहीं है, तुम आसानी से अपना दिल हल्का कर लो। लगता है कि दिल हल्का करने वाले आधे। जाओ जाओ मेरी बहन, मेरी फुल सपोर्ट तुम्हारे साथ है। हाई तोपिया बाती, मैं खतरा पेनी के लिए अपनी दान हरा दूंगी। मैं तुमसे इजाजत लेके आऊं जाऊं? ओहो इजाजत ना ले, लेकिन देते दूसरी ताबीत तो बनवा लेना। वो ताबीत क्यों बनाऊं? तुम होश में हो? किस लहजे में बात कर रही हो मुझसे? आप तो आईना दिखा ली हूं। कहां है आईना? झूठी, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। मैं आपकी नौतन नहीं हूं और आपकी तनख्वाह नहीं लेती हूं। अरे तो वो मेरी सासू मैं जेडी तेनू तनख्वाह देंदी है। अच्छा वो आपकी थातू मां हो दई। देखो बीना, मेरे और सोफिया के ताल्लुकात में बिगाड़। लेकिन मैं ये सब कुछ नौकरानी को क्यों कह रहा हूँ? हाँ, आपने मुझे नौकरानी बोला, अभी बताती हूँ। तोपिया बाती, तोपिया बाती। और क्या शोर क्यों कर रही हो? मैं तोपिया बाती तो बुला ली हूँ। क्यों तोपिया बाजी को बुला रही हूँ? मैंने ऐसा क्या किया? अरे आपने मुझे नौकरानी बोला, आप खुद बताए, मैं अब तो तहीं से नौकरानी लगती हूँ। अगर तुम मुंह धो लो ना तो मेरी भी चीखें निकल जाएं। ये तो तुम सोफिया और अंबर का मेकअप लेती हो और लगाती हो और बनती ठनती हो। नफ्स कह रही है वो। ये मेरी बहन है, क्या कह रहे थे तुम इसको? रातों रात इम्प्रूवमेंट बहन बन गई है तुम्हारी, कल तक तो मुलाजमा थी। ये हमारा पर्सनल मसला है। सोफिया मैं तुम्हारा शौहर हूँ, हस्बैंड हूँ, मियाँ हूँ तुम्हारा। हाँ तो फिर हमारे पहले रोजे और अफ्तारी का ख्याल करो। सोफिया चलो तुम मेरे साथ। क्या क्या है ये सब, क्या कर रही हो तुम? देखो तुम मेके में मेरा सर नहीं झुका सकते। तुम कौन सा सर पे घड़ा रख के खड़ी हो? झुकोगी तो गिर जाएगा, टूट जाएगा। नदीम ये हमारे खानदान की इज्जत का मामला है। यार ये अच्छी इज्जत है कि दूसरों के टुकड़ों पर सहरी भी अफतारी भी करनी है आप लोगों ने? तुम कोई दूसरे थोड़ी हो, तुम तो इस घर के फर्द हो। ओ यार सहरी अफतारी मैं करा दूंगा, लेकिन हर बंदे के लिए महीने का सौदा मैं नहीं ले आ सकता। ठीक है तो फिर तुम अपने लिए घर में कमरा ढूंढ लो। सोफिया दरवाजा खोलो यार। सोफिया मुझे बाथरूम जाना है। ये मेरा हेडेक नहीं है। वो इससे मुझे तो हेडेक हो सकता है ना अगर मैं बाथरूम ना गया। तुम मेरी मोहब्बत का इम्तिहान ले रही हो सोफिया। अरे अनवर साहब मैं आपको सलूट करता हूँ कि आपने शहनाज बेगम जैसी औरत के साथ कैसे गुजारा किया। ऐसी दहशतगर्द औरत के साथ आपका वक्त तो बहुत बुरा गुजरा होगा। मैं तो सिर्फ और सिर्फ उसको सोफिया की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ। पता नहीं मुझे आपने कैसे बर्दाश्त किया था उसे। दूल्हा भाई मेरे शौहर को भड़का रहे थे तुम। सासू माँ शैतान का नाम लिया और शैतान हाँ से। अरे शैतान तुम खुद हो जो हमें सहरी और अफतारी नहीं करा रहे। सासू माँ ये आपकी बेटी मेरे साथ क्या कर रही है? नहीं नहीं अभी तुम और लगाओ ना अनवर साहब को मेरी शिकायतें। अरे तो और क्या करूं अनवर साहब को ना अपने गम बताऊं तो किसको बताऊं? जब से इस घर में आया हूं हर वक्त मेरी जेब खाली रहती है। कभी कोई रस्म आ जाती है, कभी कोई फंक्शन आ जाता है, कभी कोई कुछ आ जाता है। मैंने क्या यहाँ एक यतीम खाना खोल लिया? वैसे आप यकीन करें इस घर के जितने भी लोग हैं ना प्योर यतीम हैं। और आप उनकी मुझे जनरल सेक्रेटरी लगती हैं। इतने बड़े घर के दामाद को ये कंजूसियाँ जेब नहीं देती दूल्हा भाई। सासू माँ मैं आपका बाथरूम इस्तेमाल कर लूँ? खड़े रहो यहीं पे। अब इस घर में सहरी और अफतारी के बाद तल्लुकात में पेशरफ्त होगी। लेकिन उस वक्त तक तो मेरे गुर्दे जी पथरी हो जाएगी सासू माँ। अरे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, अकल पर तो पत्थर पहले ही पड़े हुए थे, अगर गुर्दों में भी पड़ जाएगा तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा तुम्हें। प्लीज सासू माँ इंसानियत की बुनियाद पे सोचेंगे। अच्छा अभी पहले तो तुम हमें शैतान कह रहे थे, अब इंसानियत का रिश्ता करने लगे हो हैं? देखिए वक्त पड़ने पे खोते को प्यो बना लेते हैं। क्या मेरा मतलब है सासू माँ कि मैं गधा हूँ, पाजी हूँ, आपका बच्चा हूँ, मुझे ना बाथरूम जाने दे प्लीज। पहले ये वादा करो कि बाथरूम से फारिग होके हमारी तमाम लिस्टों को पूरा करोगे। ऐसे वेले तो मेरी जान भी मंगोगे। हाजिर है सासू माँ। ठीक है हमारे असूलों के मुताबिक वादा खिलाफी करने वाले की सजा बताओ क्या? तल्लाक। वो हद करती है सासू माँ, मुझे जाने दे बस। अगर टाइम पे सौदा आ गया ना तो पालक के पकौड़े मैं जरूर बनाऊंगी। अनवर साहब देख रहे दामाद कितने चक्कर दे रहे।
अनजान नदीम कहाँ है? अरे मेरे गुसल खाने में और तीर निशाने पे बैठा है। लेकिन मुझे तो नदीम पर बहुत तरस आ रहा है। अरे कोई जरूरत नहीं तरस खाने की, और ऐसे गैर जिम्मेदार इंसान पर तरस खाना ही नहीं चाहिए। लेकिन अम्मी नदीम तो अकेला है ना। अरे गुसल खाने में अकेले ही जाते हैं ना लोग। कहीं हम नदीम के साथ कोई ज्यादती तो नहीं कर रहे? शाहिद 612 कौन दोस्त है मेरा यार, जिद को मैं पैसे मांग सकना। अल्लाह से तो मांग ही रहा हूँ यार, वसीला तो तू बनेगा ना? नहीं बनेगा, दफा हो शाहिद 420। दाफिस। कैसे कैसे दोस्त आ रहे हैं चाइना जैसे, धोखे वाला फरेबी। कहाँ रह गए दूल्हा भाई? सैरी बंद होने में 10 मिनट रह गए। मेरा ख्याल है किचन में है, हमारे लिए अपने हाथ से कुछ पका रहे हैं। अरे भाई मेरी लिस्ट की हर चीज इम्पोर्टेड है। अरे बेदम साहिबा तैसी बातें तो लिए थेरी था सामान थे इम्पोर्टेड दो तत्ता है। हलवा पूरी, खजला फेनी, कॉर्नफ्लेक्स, ये हमारे घर में कोई भी नहीं बना सकता। इसका मतलब है इम्पोर्टेड है। सबकी लिस्ट सोने से पहले दूल्हा भाई को दे दी थी ना? एक गुसल खाने का दरवाजा क्या बंद किया, नदीम के दिल के दरवाजे हम सबके लिए खुल गए। भाई ये क्या है? ये नमक है सासू माँ, और है पानी। खाना खिलाने से पहले गरारे कराओगे? मैं आप लोगों से बहुत माजरत चाहता हूँ सासू माँ, कल मुझे पैसे मिल जाएंगे, ऑफिस से मेरी बात हो गई। अरे अभी अब क्या खा के रोजा बंद करे? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आप लोगों से, थोड़ा थोड़ा नमक चाट लें और एक एक ग्लास पानी पी कर रोजा रख लें। रोजा वो भी पहले ही दिन? मैं कल तुम लोगों को ऐसी इफ्तारी कराऊंगा कि मजा आ जाएगा तुम लोगों को। लेकिन नदीम आपने ये सब कुछ मुझे रात को क्यों नहीं बताया? बात ये है सोफिया कि रात को तो मोहल्ले की मस्जिद भी बंद होती है, अगर आधी रात को मैं तुम्हें ये बात बताता तो तुम तो मुझे कमरे से निकाल देती और सासू माँ अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोलती। हाय अल्लाह सोफिया, मुझे तो अभी से चक्कर आने लगे। बस सासू माँ बस थोड़ा सब्र कर ले, सिर्फ 15 घंटे की बात है, उसके बाद एक शाही इफ्तारी आप लोगों की मुंतजर होगी। अंबर बेटा घड़ी की सुइयां 15 घंटे आगे कर दो। सोफिया दूल्हा भाई अब तक नहीं पहुंचे। अम्मी जान मार्केट से निकल पड़े हैं, बस आते ही होंगे, अभी फोन पर बात हुई थी। सारी चीजें लेके आएंगे ना? अरे हाँ भाई, वो सहरी वाली बात पर ही बहुत शर्मिंदा है, सबके लिए डबल डबल चीजें ला रहे हैं, समोसे पकौड़े कचोरियाँ आलू चने चाट बहुत कुछ। अल्लाह बदले थोपिया बाती भूत ते उल्टी ना होता है। अब तो दिल हलक में आ रहा है, मजा आंखों के सामने देरा सा आ रहा है। बस अब थाली में से 10 मिनट ही ले दे। अरे को फिर फोन लगाए दूल्हा भाई को। हाँ जान दरवाजा खोलो, बस आ गया हूँ। कमरदार जो हिलने की कोशिश की। भाई मैं हिल नहीं रहा, मुझे पता था कि आप लोगों से एक न एक दिन मुलाकात हो जानी है। ये लो ये बेकार और घटिया मोबाइल, मैंने दूर से देख लिया था, मोबाइल नहीं चाहिए। अब मेरे वॉलेट में ना 25-30 रुपए हैं, वो ले लो। मुझे अफ्तारी का सामान दो, हम लोग रमजानों में मोबाइल और पर्स नहीं लूटते। ओ भाई तुझे खुदा का वास्ता ऐसे ना कर, मेरे घर में अटपेरे रोजे रखे हुए हैं, लोगों ने खाया नहीं रात कुछ भी इन्होंने। खबरदार हिलना नहीं, ये सब मेरा है, निकल। अच्छा जी 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 निकल। जी 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 उतार रहा हूं। ये ले सब दे दिया। और कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। ये ले। अच्छा सुन भाई, ओ मेरा भाई खजूर दे दे, मुझे सिर्फ खजूर दे दे रोजा को। अच्छा नहीं नहीं आराम से। खजूर ये लो खजूर। बिल्कुल नहीं। रोजा खोलो रोजा। हाँ, वही। अरे सोफिया कहाँ रह गया तेरा मियाँ? अल्लाह तिलक 3 मिनट ले दो, ये कोई इसकी घड़ी तो रोके। मुझे लगता है नदीम आ गए। भाई इतनी अफ्तारी ले आए, क्या मजदूर उठा के ला रहे हैं? सोफिया बाहर मुझसे अफ्तारी किसी ने लूट ली है। आप क्या कह रहे हैं नदीम? मैं सच कह रहा हूँ सोफिया, बस ये खजूरें छोड़ी है, वो भी मैंने पाँव पकड़ के उनसे ली है। क्या
अब वापस कब ये मुड़ता, अब वापस कब ये मुड़ता है।